इस मैच का आप सभी लोगों को बेसब्री से इंतजार था, इंडिया और यूएसए के बीच में जो खेला जाने वाला है 12 जून शाम 8 बजे। दोस्तों वो मैच आ चुका है। हालांकि इस मैच में अगर आप अपनी ग्रैंड लीग स्मॉल लीग टीम बनाना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपको पता भाई लगातार हम अच्छा खासा प्रॉफिट बना रहे हैं, अल्ट्रा क्लीन स्वीप दोस्तों कर रहे हैं स्मॉल लीग और ग्रैंड लीग में भी। बाकी दोस्तों इस मैच में अगर हम बात करें तो कौन कौन से खिलाड़ी हमारी फैंटेसी टीम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, क्योंकि दोस्तों ये मैच फिर से खेला जाने वाला है नासू काउंटी इंटरनेशनल स्टेडियम पे, जहां पर रिसेंटली अपनी इंडिया टीम ने पाकिस्तान को हराया और आयरलैंड टीम को भी हराया। यूएसए को भी दोस्तों आपको हल्के में नहीं लेकर के चलना, क्योंकि ये टीम भी लगातार भाई मैच को जीत करके आ रही है। और आपको पता है कि दोस्तों ये वेन्यू जो रहने वाला है काफ़ी स्लो है, काफ़ी बड़ा स्टेडियम है और यहाँ पे दोस्तों बड़े बड़े बैट्समैन भी ड्रॉप होते हुए आपको दिखाई देते हैं फैंटेसी जो कि फर्स्ट रैंक वाली टीम से। क्योंकि आपने रिसेंटली देखा है अपनी इंडिया टीम से विराट कोहली, रोहित शर्मा, सूर्य कुमार यादव जैसे बड़े खिलाड़ी भाई बिल्कुल फर्स्ट रैंक वाली टीम में मौजूद नहीं थे और जल्दी आउट हो गए थे। और ये वेन्यू भी दोस्तों उसी प्रकार से कि यहाँ पर बड़े बड़े बैट्समैन भी फ्लॉप होते हुए नजर आते हैं। तो किस प्रकार से हमारी ग्रैंड लीग और स्मॉल लीग टीम होनी चाहिए आज के इस मैच में, किसको कैप्टन करना है ग्रैंड लीग में, किसको वाइस कैप्टन करके चलना है, सारी चीज़ें दोस्तों आपको समझ में आएंगी। हालांकि दोस्तों इस वीडियो में आप लोगों के लिए लेकर के आए एक ऐसा ऑफर जो कि फैंटेसी की दुनिया में आपको अभी तक ना मिला है और ना ही दोस्तों मिलने वाला है। इस मैच से दोस्तों आप एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बल्कि पूरे 5 मेगा कॉन्टेस्ट खेल सकते हो सिर्फ और सिर्फ 1 रुपये में। ओके, तो फिलहाल दोस्तों ये ऑफर आपको कैसे मिलेगा आगे आपको वीडियो में बताने वाला हूँ। बाकी दोस्तों मैच है जैकपॉट, थोड़ा सा आप लोग टाइम दे लीजिए। ओके, एंड फिर उसके बाद जो आपकी टीम बनेगी भाई ना, तो वो क्लीन स्वीप करने वाली टीम बनेगी, चाहे आप स्मॉल लीग बनाएं, चाहे ग्रैंड लीग दोस्तों, चाहे आप यहाँ पे फिलहाल 3 से 4 मेंबर यानी कि हेड टू हेड की टीम बनाएं। टेलीग्राम चैनल दोस्तों आप लोग साथ ही साथ ज्वाइन कर लीजिए, फर्स्ट कमेंट बॉक्स और वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल रहा है। नासू काउंटी स्टेडियम की बात करेंगे जो न्यूयॉर्क में पड़ने वाला है, हालांकि भाई स्टेडियम काफ़ी बड़ा है जो कि आपने यहाँ पे कई सारे मैचेस जरूर देखे होंगे। टोटल मैचेस की बात करें अभी तक 6 खेले जा चुके हैं, जिसमें कि दोस्तों जो टीम पहले बैटिंग करी उसने 3 मैच जीते हैं और चेस करने वाली टीम ने भी दोस्तों 3 मैचेस जीते हुए हैं। हालांकि यहाँ पे जो मैच जीता है रिसेंटली, तो आपने देखा कि साउथ अफ्रीका ने जीता है बांग्लादेश के अगेंस्ट में। ओके, एंड फिलहाल यहाँ पे अपनी इंडिया टीम जो है फिलहाल चेस करते हुए मैचेस को जीती हुई है, पहले एक मैच बैटिंग करते हुए पाकिस्तान के अगेंस्ट में और आयरलैंड से चेस करते हुए दोस्तों। हालांकि यूएसए की क्या हाल है दोस्तों इस वेन्यू पर वो देखेंगे। बाकी स्कोरिंग पैटर्न दोस्तों आप देख रहे हैं भाई 150 प्लस अभी तक यहां पे स्कोर बना ही नहीं है, मतलब यहां पे भाई 30 रन पे 4-4 विकेटें गिरी जा रही हैं भाई, 20 रन पे 2-2 विकेटें गिरी जा रही हैं, स्टार्टिंग में ही विकेट गिर जा रही है दोस्तों। तो किस हिसाब से टीम का कॉम्बिनेशन करके चलना है वो बहुत ही सोचने वाली बात होगी दोस्तों। आपको नाम पे बिल्कुल नहीं जाना कि रोहित शर्मा, विराट कोहली, सूर्य कुमार यादव भाई टीम में होने चाहिए, ये गलती मेरे भाई आपको करना नहीं है, खास करके इस मैच में भी। एंड दोस्तों अगर हम बात करें जो एवरेज आप यहाँ पे मान के चल सकते हैं, अगर अपनी इंडिया टीम दोस्तों पहले बैटिंग करती है तो उस कंडीशन में कहीं ना कहीं यहाँ पे मेरे भाई आपको इस मैच में थोड़ा सा कुछ अलग होते हुए नजर आ सकता है। 150 से 160 का स्कोर बनते हुए आपको दिखाई दे देगा दोस्तों, ठीक है, क्योंकि भाई कहीं ना कहीं आपने आयरलैंड के गेम्स में भी देखा होगा अपनी इंडिया टीम का मैच, वो स्कोर भी जो जा रहा था भाई करीबी मैं बता दूं तो 160, 170, 180 तक का, ठीक है, जो आपको रिसेंटली मैं दिखाने वाला हूं। और बाकी अगर दोस्तों यहां पे यूएसए पहले बैटिंग करते तो उस टीम का भी स्कोर कहीं ना कहीं दोस्तों आप 130 तक मान के चल सकते हैं, क्योंकि वो टीम भी यहाँ पे इस वेन्यू पर काफ़ी बढ़िया कर चुकी है। हालांकि अभी तक यहाँ पे पेसर बॉल्स ने ज़्यादा विकेटें निकाली हुई है, उनका दोस्तों दबदबा रहा है, हालांकि स्पिनर को यहाँ पे थोड़ी सी कम हेल्प रहने वाली है। बाकी दोस्तों रिसेंट मैचेस देखेंगे जो इस वेन्यू पर खेले गए, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं ये लास्ट मैच है इस वेन्यू का साउथ अफ्रीका और बांग्लादेश दोस्तों। बाकी पाकिस्तान और जो मैच होने वाला था पाकिस्तान का शायद कनाडा से, वो मैच इंक्लूड नहीं है दोस्तों, उसका अपडेट आपको टेलीग्राम चैनल पर दे दिया जाएगा क्योंकि उसी टाइम भी वीडियो शूट कर रहे हैं दोस्तों। साउथ अफ्रीका पहले बैटिंग करते हुए 113 का स्कोर कर रही है और बांग्लादेश दोस्तों यहाँ पे ओनली 109 ही बना पा रही है, तो इससे दोस्तों आप अंदाजा लगा सकते हैं किस हिसाब से दोस्तों यहाँ पे स्कोर बन रहा है, ठीक है, 113 का स्कोर भी चेस नहीं हुआ। इस मैच में पेसर को 9 विकेट थी और स्पिनर को दोस्तों ओनली 4 विकेट मिली थी। एक मैच और देखेंगे इंडिया और पाकिस्तान, ये वाला मैच आपको याद होगा, अपनी इंडिया टीम 119 पे फिलहाल ऑल आउट हो गई थी, बाकी पाकिस्तान 113 ही रन बना पाई थी 20 ओवर में। इस मैच में स्पिनर को 1 विकेट थी और दोस्तों पेसर बॉल्स को टोटल 15 विकेटें मिली थी, तो इससे आप अंदाजा लगाइए कि आज के इस मैच में फिर से इंपॉर्टेंट जो बॉलर्स होंगे जो ज़्यादा विकेटें निकालेंगे, बुमराह हो गए, सिराज, अर्शदीप एंड हार्दिक पंड्या, इस प्रकार के बॉलर दोस्तों फिर से रहने वाले हैं। नीदरलैंड साउथ अफ्रीका, नीदरलैंड फर्स्ट बैट करते हुए 103 का स्कोर, साउथ अफ्रीका 106, वो भी दोस्तों 19 ओवर में, तो आप समझ सकते हैं कहीं ना कहीं दोस्तों पिच बहुत ज़्यादा स्लो है। हालांकि जो मैच की हम बात कर रहे थे इंडिया और आयरलैंड
आयरलैंड। आयरलैंड दोस्तों पहले बैटिंग करते हुए 90 प्लस का स्कोर किया था और अपनी इंडिया टीम जो है दोस्तों 12 ओवर में उस मैच को जीत दिया था। तो उस कंडीशन में आप समझ सकते हैं कहीं ना कहीं अगर अपनी इंडिया टीम पहले बैटिंग करती है तो भाई 150 160 का स्कोर भी देखने को इस मैच में मिल सकता है इसी वेन्यू पर दोस्तों, ठीक है। क्योंकि यूएसए कहीं ना कहीं उतनी भाई देखेंगे भले पाकिस्तान को उस टीम ने हराया है, ठीक है, तो वो कंडीशन कहीं ना कहीं अपनी इंडिया टीम के सामने नहीं रहने वाली मेरे भाई, ठीक है। तो इस पिच को देखते हुए, रिसेंट मैचेस को देखते हुए, जो वेन्यू और किस हिसाब से स्टेडियम बड़ा है, तो भाई मैं यही कहूंगा अगर आप एक टीम के साथ चलते हैं मेरे भाई तो कम से कम आप अपनी टीम में जो बैट्समैन रखेंगे वो दोस्तों एक से दो होंगे, ठीक है, एक से दो, दोनों टीम की तरफ से मिला के। बाकी ऑलराउंडर जो बॉलिंग बैटिंग कर रहे हैं तो वो भाई आपकी टीम में होने चाहिए। एक्स्ट्रा बॉल्स आप लेकर के चल सकते हैं 4 से 5 दोस्तों। विकेट कीपर दोस्तों इस मैच में भी आपको कहीं ना कहीं एक या दो, बहुत मुश्किल से, ठीक है, मतलब 4 प्लेयर आपके टीम में जो होंगे विकेट कीपर और बैटिंग सेक्शन से मिला करके, तभी दोस्तों आपकी टीम यूनिक बन पाएगी इस वेन्यू को और इस स्टेडियम को देखते हुए। हेड टू हेड की बात करेंगे दोस्तों अभी तक मुकाबला खेला नहीं गया, हालांकि अगर रिसेंट फॉर्म की बात करें तो अपनी इंडिया टीम लगातार जीत के आ रही है और यूएसए ने भी 2 मैचेस खेले हैं, 2 मैचेस इस टीम ने भी जीते हुए हैं। बट दोस्तों इस मैच में कहीं ना कहीं आपको यहाँ पे जो है इल लगते हुए दिखाई देगा यूएसए के सामने, मतलब लॉस। ओके दोस्तों, एंड फिलहाल अपनी इंडिया टीम मैच को जीतेगी एंड उस कंडीशन से आपको टीम भी बनानी होगी। बट यूएसए के प्लेयर भी आपके फैंटेसी टीम में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। चलिए दोस्तों आप बात कर लेते हैं कैसे आपको मिलेगा ग्रांड लीग एट जस्ट 1 रुपीज। फिलहाल दोस्तों ये मैच जो होने वाला है 12 जून को इंडिया और यूएसए के बीच में, इस मैच से पहले आपको करना क्या है, इसी वीडियो को कमेंट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है, डाउनलोड करना होगा माई 11 सर्कल एप्लीकेशन को दोस्तों और टीम बनाइए। डाउनलोड करने के बाद दोस्तों रजिस्टर करिए, रजिस्टर करने के बाद अगर आप मेगा कॉन्टेस्ट ज्वाइन करते तो आपकी एंट्री फीस होगी सिर्फ 1 रुपये और दोस्तों आपको मौका मिलेगा यहाँ पे पूरे 5 मेगा कॉन्टेस्ट ज्वाइन करने का, मतलब दोस्तों आप 5 मेगा टीम बना सकते हो सिर्फ और सिर्फ 5 रुपये में। तो दोस्तों आप समझ सकते हैं कितना आपका फायदा होने वाला है टूर्नामेंट के। दोस्तों हर मैच में यहाँ पे आपको फर्स्ट प्राइज मिनिमम 1 करोड़ का देखने को मिलता है और दोस्तों इसको आप जीत भी सकते हो। जैसे कि दोस्तों आपके पास पैसे नहीं है तो आप 5 रुपये में 5 मेगा टीम बनाइए और दोस्तों 1 करोड़ जीतने का मौका पाइए। साथ साथ दोस्तों अगर यहाँ पे जाकर के आप यूज करते हो मेरा कूपन कोड LIFA20 दोस्तों, ठीक है, तो फिर आपको 20% एक्स्ट्रा कैश भी मिलेगा फर्स्ट डिपॉजिट पर। मान लीजिए आपने यहाँ पे 200 डिपॉजिट किया तो 240 आपको टोटल कैश मिलेगा, 500 किया तो 600 रुपये दोस्तों आपको मिलेगा, 1000 के दोस्तों 1200 रुपये टोटल कैश आपके माई 11 सर्कल अकाउंट पे मिलने वाला है। ये डिपेंड आपके ऊपर करता है कि आपने जब रजिस्टर किया, डाउनलोड किया माई 11 सर्कल एप्लीकेशन को इसी वीडियो कमेंट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसके बाद दोस्तों रजिस्टर करने बाद आप पहली बार कितना डिपॉजिट करते हैं भाई, जितना भी डिपॉजिट करेंगे उससे प्लस में आपको 20% एक्स्ट्रा कैश मिलने वाला है। ओके, एंड यहाँ पे दोस्तों 1500 का बोनस कैश भी मिल रहा है। तो मेरे भाई जाइए, बिल्कुल आप लोगों के लिए मैंने इस ऑफर को भाई बनवाया है, ये वैलिड दोस्तों इसी मैच के लिए, ठीक है, इंडिया और यूएसए मैच के लिए, तो बिल्कुल इग्नोर मत करिएगा। एंड फिलहाल दोस्तों 5 रुपये में 5 टीम बनाइए, मतलब भाई 5 रुपये में 5 मेगा टीम जहां पे फर्स्ट प्राइज मिनिमम 1 करोड़ का। ट्रस्टेड जेन्युइन एप्लीकेशन है भाई माई 11 सर्कल, तो डाउनलोड कर लीजिए और डाउनलोड करने के बाद दोस्तों टीम बना लीजिए। मैंने तो दोस्तों टीम बना ली है। बाकी बात कर लेंगे दोस्तों यहाँ पे इंडिया टीम के पॉसिबल प्लेइंग 11 के बारे में। तो आपने दोस्तों देखा है कहीं ना कहीं यहाँ पे जो मैच हुआ है रोहित शर्मा और विराट कोहली, इनकी ओपनिंग देखने को मिली थी, हालांकि दोनों का बल्ला कुछ खास चला नहीं था। बाकी रोहित शर्मा का इसी वेन्यू पर दोस्तों 1 जो है 6 भी देखने को मिला था। एंड अगर हम बात करें ऋषभ पंत, तो ऋषभ पंत भाई मैंने बताया कि 20 से 30 रन वाले खिलाड़ी हैं, ये तो करके देंगे। और विकेट कीपिंग सेक्शन से मिलते हैं तो भाई ये खिलाड़ी आपकी टीम में बिल्कुल परफेक्ट होगा, पॉइंट भी देगा और दोस्तों बैटिंग भी करेगा। सूर्य कुमार यादव का दोस्तों कम भरोसा करके चलेगा, हालांकि सामने छोटी टीम है तो इस मैच में भाई तबाही भी मचा सकते हैं और 360 डिग्री सेल्सियस वाला इनका जो तापमान बनता है दोस्तों छोटी टीमों के गेस पे, वो भी आपको देखने को मिल सकता है। हार्दिक पांड्या बॉलिंग और बैटिंग दोनों होते हैं, इंपोर्टेंट होंगे कैप्टन वाइस कैप्टन के जैसे जैसे लास्ट मैच में हमने किया था दोस्तों। शिवम दुबे यार नए प्लेयर जहां तक है तो कुछ समझ में इनको आ नहीं रहा और पिच काफी ज्यादा स्लो है, तो भाई चांस थोड़े से कम होंगे। जडेजा स्पिनर को थोड़ी कम हेल्प है तो इनको भी हम कम हेल्प देंगे अपनी टीम में। अक्षर पटेल तो इंपोर्टेंट वाले ही दोस्तों स्पिनर है और ये ऊपर बैटिंग भी करने आ सकते हैं और भाई कंसिस्टेंट है, ठीक है। मोहम्मद सिराज टीम में रखना चाहिए, बुमराह को हम टीम में रख के चलेंगे और अर्शदीप को दोस्तों टीम में रख करके चलने वाले हैं। बाकी मेरे भाई बात करेंगे यहाँ पे बॉलिंग ऑर्डर के बारे में, तो स्टार्टिंग में आपको जो इस टीम की तरफ से बॉलिंग मिलती है सिराज और अर्शदीप और बुमराह के द्वारा। अद्वैत की बात करेंगे तो यहाँ पे यही तीनों बॉलर्स आपको डेथ में भी देखने को
मिल जाते हैं मेरे भाई, ठीक है। बाकी बात करेंगे प्लेयर के स्टैट्स और रिकॉर्ड के बारे में, कौन कौन से खिलाड़ी हमारे फैंटेसी टीम के लिए इंपॉर्टेंट होगा, किसको भाई इनिंग वाइज देख करके हम रखेंगे। जैसे कि रोहित शर्मा भाई रिसेंट 13 रन की पारी, बाकी उससे पहले 52 रन की पारी, और हालांकि दोस्तों एक बढ़िया खेलते हैं T20 फॉर्मेट, फर्स्ट इनिंग में 38 का औसत है और सेकेंड इनिंग चेस करते दोस्तों 25 का औसत है। वेन्यू पर दो मैच खेल चुके हैं, 65 रन बनाए हैं और दोस्तों 65 का जो है औसत है। टीम सिलेक्शन की बात करेंगे रोहित शर्मा की, तो फिर कहीं ना कहीं टीम में तो रख करके चलना है भाई इस खिलाड़ी को। सीबीसी भाई इस वेन्यू को देखते हुए थोड़ा सा सोचेंगे, पर दोस्तों ये अर्धशतक भी इसी वेन्यू का चेस करते हुए ध्यान रखना, अगर अपनी इंडिया टीम चेस करती है तो फिर मैं कहूंगा कैप्टन वाइस कैप्टन की पिक रोहित शर्मा इस मैच में रहेंगे। चाहे दोस्तों फर्स्ट बैट भी करें फिर भी आप ट्राई करके चल सकते हैं रोहित शर्मा को, क्योंकि भाई सामने आयरलैंड थी तो इन्होंने रन बनाया और सामने यूएसए है तो फिर ये रन बना सकते हैं, ध्यान रखिएगा। बाकी विराट कोहली दोनों मैचेस दोस्तों इस वेन्यू पर फ्लॉप हुए, 1 और यहां पे 4, ठीक है। तो यहां पे फिर से सोचिएगा सीबीसी करना, कहीं ना कहीं एक बारी फिर से रिस्की हो सकता है विराट कोहली को, ये आपको समझ के चलना होगा दोस्तों। फर्स्ट इनिंग बैट करते हुए 41 का औसत है, चेस करते दोस्तों 71 का औसत है, हालांकि टीम में भी रखना मुश्किल हो सकता है। अगर आप यहाँ पर दो में किसी एक को भी रखते हैं तो फिर एक को ही रखना है, मतलब ऐसा नहीं कि दोनों को लेकर चले, अगर एक टीम भी बनाते हैं ज़्यादातर चांस होगा रोहित शर्मा का टीम में रखने का। विराट कोहली को ड्रॉप भी कर सकते हो आप, अगर विराट कोहली को रख रहे हैं तो दोस्तों उस टीम में फिर रोहित शर्मा को ड्रॉप करके आपको चलना होगा, मतलब ज़्यादा बैट्समैन आपको टीम में अपनी पिक करके नहीं चलना। ऋषभ पंत दोस्तों क्यों रखेंगे, क्योंकि मैंने बताया भाई 30-40 रन तो बनाते हैं, साथ साथ विकेट कीपर हैं, पॉइंट भी देंगे और वेन्यू पे आप देख चुके हैं दोनों मैचेस अच्छा खासा परफॉर्मेंस रहा है, टीम में रख लीजिएगा। और हो सकेगा इस चेस करते हुए सीसी का भी रिस्क ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे भाई ऐसा नहीं है कि जो 100 रन या 90 रन मारे वही कैप्टन होगा यूनिक कैप्टन वाइस कैप्टन, भाई यहाँ पे जो 40-50 रन भी बनाएगा वो भी कैप्टन वाइस कैप्टन के तौर पर आपको देखने को मिल जाएगा। तो फिर ये खिलाड़ी कैप्टन वाइस कैप्टन का पिक भी रहने वाला चेस करते हुए। सूर्य कुमार यादव के ऊपर दोस्तों ज़्यादा भरोसा नहीं करेंगे, रिसेंट दो मैच में लगातार फ्लॉप चल रहे हैं, हालांकि ये हो सकता है कमबैक कर जाए ये खिलाड़ी, क्योंकि भाई सामने छोटी टीम है यूएसए है। बाकी दोस्तों यहां पे बात करेंगे जो कि फिलहाल शिवम दुबे की, जो कि लेफ्ट हैंड बैट्समैन है, रिसेंट दोनों मैचेस फ्लॉप हैं तो उतना ज्यादा अनुभव है नहीं, तो मैं यही कहूंगा ड्रॉप कर सकते हैं। बाकी हार्दिक पांड्या बॉलिंग बैटिंग दोनों है, कैप्टन के एक सेफ पिक होंगे। वेन्यू पे दो मैच दोस्तों 5 विकेट निकाल चुके हैं और खिलाड़ी चाहे फर्स्ट बॉल कर रहा हो चाहे सेकंड बॉल कर रहा हो बिल्कुल आप कैप्टन इस खिलाड़ी को करके चल सकते हैं, क्योंकि बैटिंग के भी चांस दोस्तों बन जाते हैं। जडेजा भी लगातार फ्लॉप चल रहे हैं, इस मैच में मुझे उम्मीद है कि कहीं ना कहीं एक आधा विकेट मिल जाए इनको, ठीक है। स्मॉल लीग 3-4 नंबर में ट्राई कर सकते हैं। जीएल के लिए दोस्तों फिर से रिस्क रहने वाले हैं, अक्षर पटेल देखिए लगातार कंसिस्टेंट है, यहाँ पे एक विकेट यहाँ पे एक विकेट और यहाँ पे 2-3, मतलब कहीं ना कहीं खिलाड़ी विकेट बढ़िया निकलता है। 5-6 मैचेस अगर रिसेंट देखेंगे इनका तो ये हर मैच में विकेट है और विकेट मिलेगी जरूर दोस्तों, तेज खेलने वाला खिलाड़ी भी है तो जडेजा से पहले भी इनको बैटिंग दी जा सकती है। मोहम्मद सिराज लास्ट मैच दोस्तों अगर हम देखेंगे तो उतना अच्छा बॉलिंग तो देखने को मिले, हालांकि विकेट से परफॉर्मेंस नहीं देखने को मिला, बट इस मैच में अगर हम बात करें तो ये विकेट निकाल सकते हैं, हो सकता है स्टार्टिंग में 2-3 विकेट भी लेकर के दोस्तों ये जाएं, ध्यान रखिएगा। तो इस मैच में वही कहने के दो ग्रैंड लीग की टीम बनाएंगे तो एक टीम में कंफर्म है खिलाड़ी को रखना है। बुमराह सीबीसी का ऑप्शन है, सबसे बेस्ट ऑप्शन होगा। कॉम्बिनेशन की बात करें तो वाइस कैप्टन बुमराह को कर दीजिए और कैप्टन दोस्तों हार्दिक पांड्या को। हर्षदीप की बात करेंगे तो फिर यहाँ पे ये लेफ्ट आर्म मीडियम फास्ट पेसर है, रिसेंट कंसिस्टेंट है, टीम में रख लीजिएगा, हालांकि सीबीसी का भी एक यूनिक ऑप्शन रहने वाला है। और दोस्तों अपनी इंडिया टीम की तरफ से जो बेंच रहने वाला आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, जहां तक शिवम दुबे के चांस थोड़े से कम लग रहे हैं मुझे इस मैच में, जयसवाल इस मैच को खेलते हुए नजर आ सकते हैं या तो सैमजी सैमसन दोस्तों, ठीक है, कोई भी आएगा तो आप लोग देख लीजिए, हालांकि अपडेट तो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, ओके। एंड फिलहाल बात करेंगे दोस्तों यहाँ पे यूएसए टीम के प्लेइंग 11 के बारे में, जो खिलाड़ी रहने वाले हैं इस मैच के लिए। ओपनिंग दोस्तों आपको पता है स्टीवन टेलर और मोनक पटेल के द्वारा देखने को मिलती है, फिर एंड्रे गोयस एंड यहाँ पे जोनस एंड यहाँ पे कोरी एंडरसन, हरमीत सिंह, नीतीश कुमार और यहाँ पे आपको मिल जाएगा नुसरत केंजिगे एंड जसदीप सिंह, अली खान, सौरभ, ठीक है। इस आपसे इस टीम की प्लेइंग 11 रहने वाली है, हालांकि आपको पता है कि 3-4 खिलाड़ी आपको इस टीम से भी जो मिलने वाले हैं यूनिक मिलने वाले हैं, जिनको आपको अपने फैंटेसी टीम में रखना होगा दोस्तों, ठीक है। और अगर हम बात करें स्टार्टिंग के ओवर तो यहाँ पे आपको सौरभ, अली खान और यहाँ पे किंजिगे के द्वारा मिलते हैं। दित की बात करेंगे दोस्तों यही आपको जो है दो बॉलर्स तो मिल जाएंगे, बाकी जसदीप भी लास्ट का ओवर यानी कि 20वां ओवर अपनी टीम के लिए करवाते हैं दोस्तों, ठीक है। बाकी बात करेंगे यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट्स की तरफ से जो प्लेयर आपको मिलने वाले हैं यूएसए की तरफ से, उनका स्टैट्स रिकॉर्ड क्या है, देखिए स्टीवन टेलर की बात करेंगे तो यहाँ पे रिसेंट इनका कुछ खास रोल दिखा नहीं है, हालांकि उससे पहले अगर हम देखेंगे तो 31+0, 28+2, 39+1, 54+1,
एक दोस्तों। मेन्यू पे अगर हम देखेंगे तो मैच नहीं है और इस टीम ने अभी तक मैच खेला नहीं, तो फिर अगर हम देखेंगे टीम में रखने की बात तो भाई देख रहे हैं कि ये मेन्यू किस हिसाब से स्लो है, ठीक है, किस हिसाब से स्लो है, बट बॉलिंग और बैटिंग दोनों के चांस बनते हैं। तो कहीं ना कहीं स्मॉल लीग 3 से 4 मेंबर, हालांकि ग्रांड लीग के लिए भी मैं बेस्ट नहीं समझूंगा। बाकी मोनक पटेल की बात करेंगे 16-50 और यहाँ पे जो इनका परफॉर्मेंस रहा है उससे पहले 42-12, 2, 68-50, 32-17 गज, ठीक है। और अभी तक ये जो खेल करके आ रहे हैं ये तो ग्राउंड जो है स्टेडियम में छोटा स्टेडियम है, बाकी इस वेन्यू पर मैच इस टीम ने खेला नहीं है। तो भाई यही कहूंगा कि यहाँ पे आप कुछ यूनिक प्लेयर रखने की आवश्यकता हो सकती है, जैसे कि टेलर ये बॉलिंग भी करा सकते हैं बैटिंग भी कर सकते हैं। मोनक पटेल अभी तक अच्छी बैटिंग करके आ, हालांकि खिलाड़ी बढ़िया खेलते थे 68-50, 32 मतलब 15 से 20 रन ही आपको स्लो बैटिंग करके भी दे सकता है, ये खिलाड़ी के चांस बन सकते हैं हमारी टीम में। बाकी एंड्रयू गोज की बात करते हैं तो राइट बैट्समैन है दोस्तों, ये खिलाड़ी भी काफी यूनिक खेलता है। देखिए 35-65, 65-23, 4-57-50 ये भी आपको ठीक ठाक परफॉर्मेंस करके दे सकता है। फर्स्ट बैट करते हुए दोस्तों 28 का औसत है, चेस करते हुए 35 का औसत है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं इस प्रकार के खिलाड़ी आपकी ग्रांड लीग के लिए यूनिक बन सकते हैं। एरन जोनस जो कि दोस्तों लंबी पारी भी खेल चुके हैं 94, ठीक है, नॉट आउट होकर के 47 हिसाब से इस खिलाड़ी ने अभी तक बैटिंग करी, तेज खेलता है, हो सकता है दोस्तों आपको यहाँ पे ये जल्दी भी आउट होते हुए दिखाई दे, अदरवाइज 20 से 25 रन तो आपको बना कर देगा, मतलब ड्रीम टीम में आपके जरूर ये शामिल हो सकता है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे मिडिल में बैटिंग करने का, स्टार्टिंग में अगर यहाँ पे दोस्तों विकेट भी गिरती है तो इसके लिए एक अच्छी बैटिंग लाइनअप मिल जाएगी, जिससे कि भाई आपको मिलते हैं बुमराह, ठीक है, बुमराह से भाई इनका कंपैरिजन नहीं होगा, ये सामने नहीं पड़ेगा, प्लेयर बैटल इनका नहीं फंसेगा, तो उस कंडीशन में रन बना सकता है। फिर सिराज या दोस्तों हर्षदीप को पा जाए, अक्षर पटेल को पा जाए भाई, ठीक है, जडेजा को पा जाए, उस कंडीशन में रन बना सकता है। कोर इंटरेस्टिंग की बात करते हैं, लेफ्ट बैट्समैन लेफ्ट आर्म मीडियम है, बॉलिंग बैटिंग दोनों को रहते हैं, तो ये खिलाड़ी तो आपके लिए सेफ होगा ही होगा। बाकी हरमिंदर सिंह रिसेंट 2 मैचेस में 1 विकेट है, इस तो चांस कम रखेंगे अपने फैंटेसी टीम में। बाकी बात करेंगे यहाँ पे नीतीश कुमार की, तो भाई बैटिंग भी कर लेता है, बॉलिंग भी करता है, बट बॉलिंग के चांस कम बनते हैं तो चांस कम होंगे। एंड नोस्तुस किंजिगे की बात करते हैं, लास्ट मैच दोस्तों इस खिलाड़ी ने 3 विकेट चटकाई है। फर्स्ट बॉल करते हैं, अभी तक 3 में 6 विकेट हैं ओवरऑल, और सेकेंड इनिंग में 3 में 1 विकेट है, वेन्यू में कोई मैच नहीं है, उतना खास खिलाड़ी है दोस्तों है नहीं, स्पिनर है खास करके, तो भाई स्पिनर को इस वेन्यू को देखते हुए भी मैं नहीं रखने वाला हूँ। देखिए आपके टीम के लिए जो इंपॉर्टेंट खिलाड़ी हो सकते हैं बॉलर्स सेक्शन से, देखिए इस मैच में अगर यूएसए पहले बॉलिंग करती है तो जसदीप जैसे बॉलर्स को भी विकेट मिल सकती है, एंड अली खान तो इस मैच में विकेट निकाल सकता है, ठीक है, और देख सकते हैं यहाँ पे कंसिस्टेंट अभी रिसेंटली ये मैचेस में रहा हुआ है। सौरभ दोस्तों यहाँ पे फिर से एक बार अच्छे विकेट चटका सकते हैं, क्योंकि पेसर बॉलर्स है दोस्तों और डेथ में भी आता है, स्टार्टिंग में भी आता है, और गाइस यहाँ पे 3 विकेट हाईएस्ट इसकी रिसेंटली रही भी है। ओके दोस्तों, बाकी बात करेंगे यहाँ पे बेंच की, तो आपको बेंच इस हिसाब से मिलने वाला है निसर्ग पटेल, एंड यहाँ पे जो कि आपको मिल जाएंगे एस वैन, एंड यहाँ पे जहांगीर मिल जाएंगे मिलिंद कुमार दोस्तों। यहाँ से कोई अपडेट आता है तो आपको टेलीग्राम चैनल पर दोस्तों कर दिया जाएगा। की प्लेयर्स की बात करें तो आपके जो रहने वाले हैं, जो यहाँ पे सबसे ज़्यादा सिलेक्शन रहेगा जिनका, रोहित शर्मा, ऋषभ पंत, और यहाँ पे सौरव, हार्दिक पंड्या, बुमराह, और यहाँ पे एरन जोनस, विराट कोहली दोस्तों, ठीक है। बाकी सीबीसी का जो ऑप्शन करने वाले लोग, हार्दिक पंड्या, विराट कोहली, बुमराह, ठीक है, इनको ज़्यादातर ट्राई करने वाले हैं, बाकी विराट कोहली को करना नहीं है। ओके दोस्तों, ट्रंप प्लेयर की बात करें, अली खान, मोहम्मद सिराज, जसदीप सिंह, मैंने कहा जहाँ तक जसदीप को यहाँ पे इस मैच में विकेट दोस्तों मिल सकती हैं। बाकी अगर हम बात करें हमारी फैंटसी टीम जो अभी रहने वाली है, तो एक टीम का प्रयोग आप लोग देखिए, बाकी दोस्तों जो 3 से 4 ग्रांड लीग टीम इस मैच में रहने वाली है, क्योंकि ये मैच काफ़ी बढ़िया है, तो आपको टेलीग्राम चैनल पर दोस्तों मिल जाएंगी। देखिए विकेट कीपर ऋषभ पंत, एंड यहाँ पे हमने विराट कोहली को भले ही रखा है, बट मैंने कहा कि जहाँ तक इन दोनों को एक साथ आप मत रखेगा, फिर इस कंडीशन में आप रोहित शर्मा, जोन्स को रख सकते हैं, बाकी फिर ऑलराउंडर हार्दिक पंड्या, स्टीवन टेलर, अब आपके पास विराट कोहली की जगह अक्षर पटेल का ऑप्शन रहेगा, आप ट्राई कर लीजिएगा दोस्तों बॉलिंग अब पिच देखते हुए। बाकी यहाँ पे बॉलिंग से सौरभ को रखा है अली खान, ठीक है दोस्तों, और यहाँ पे बुमराह को कैप्टन किया है, हर्षदीप हैं, मोहम्मद सिराज दोस्तों, ये वाला कॉम्बिनेशन भी आपके लिए बेस्ट हो सकता है, आप या तो अली खान की जगह पे जसदीप को भी ट्राई कर सकते हैं दोस्तों, बाकी कोरी एंडरसन का एक ऑप्शन होगा। तो दोस्तों ये सारे कॉम्बिनेशन जो होंगे वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलने वाले हैं। अभी के लिए जो सेफ कैप्टन वाइस कैप्टन होंगे अच्छा ग्रांड लीग के लिए, देखिए हार्दिक पंड्या दोस्तों हमारे पहले रहेंगे, ध्यान दीजिएगा, ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे हमारे लिए बुमराह हो जाएंगे। तीसरे नंबर की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे सीबीसी के लिए रहेंगे रोहित शर्मा का ऑप्शन। चौथे पर दोस्तों जो हाईएस्ट रिस्क के रहेगा वो होगा एरन जोनस का सीबीसी का ऑप्शन दोस्तों। पांचवें पर जो भाई थोड़ा से मुझे कम सही लग रहे हैं इस मैच के लिए, विराट कोहली होंगे सीबीसी। अब यहाँ पे थोड़ा सा और अच्छी ग्रांड लीग के लिए दोस्तों अर्शदीप और जो कि सिराज का भी ऑप्शन आपके लिए रहने वाला है। ओके गाइस, एंड जहां तक विराट कोहली इस मैच में, फिर से मुझे नहीं लग रहा कि ये चलने वाले, बाकी सामने छोटी टीम है तो उस कंडीशन में कुछ बड़ा हो भी सकता है, बट अक्सर करके विराट कोहली छोटी टीम के अगेंस्ट में दोस्तों रन नहीं बनाते हैं। बाकी दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही था, और फिलहाल जो नया प्रेडिक्शन होगा नए मैच का वो नेक्स्ट वीडियो में आपको देखने को मिलेगा, तो बिल्कुल मेरे भाई चैनल को भी आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए मिलेंगे नई वीडियो में, जय हिंद, जय भारत।